हम आगे बढ़ें, जबकि चारों तरफ छोटी दीपावली की धूम है। एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं, मुबारकबाद, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आज का मुद्दा की तरफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज जो पद पा गए, खुलेआम मंत्रियों के साथ, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ दिखाई देते हैं। सुरेश पचौरी ने अपने समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके कांग्रेस में पद दिला दिए। भोपाल जिला कांग्रेस की बात करें तो विश्वास सारंग भोपाल जिला कांग्रेस चला रहे हैं, बड़ा चिंता का विषय है। सुना आपने, पीसीसी चीफ पर क्या आरोप लगा रहे हैं मोनू सक्सेना। मोनू कई बार पार्षद रहे, विधानसभा चुनाव से पहले कुछ दिन भोपाल के जिला अध्यक्ष भी रहे। मोनू के आरोप भी गंभीर है। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी में जा चुके नेताओं के करीबियों को बड़े पद दिए गए हैं। उन्होंने संघर्ष करने वालों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए शीर्ष नेतृत्व से मिलने की बात कही है। तो सुमावली से कांग्रेस के टिकट के दावेदार रहे राम लखन दडौतिया ने भी सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश 2003 से गई है, हम रोडों पर आंदोलन कर रहे हैं, हजारों केस खाए, हजारों लाठी डंडे खाए, हजारों बार जेल गए और अनगिनत आंदोलन और प्रदर्शन किए। लेकिन आज जब सूची देखी तो मायूसी हाथ लगी। जो भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके सुरेश पचौरी अपने चेले चपाटों को यहाँ पद दिलाने में लगे हैं, वो सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए आने वाले समय में दुर्गामी परिणाम साबित होंगे। सहायक सेक्रेटरी मुझे क्यों बनाया, मेरे से ना तो किसी ने बात की ना मेरे को पहले बताया होता तो मैं पहले ही अपनी असमर्थता जाहिर कर। जीतू पटवारी जी को शायद नहीं मालूम होगा कि 2022 में माननीय कमलनाथ जी की AICC की लिस्ट में 78वें नंबर पे मेरा नाम अंकित है और मैं जनरल सेक्रेटरी AICC ने बनाया। कार्यकारिणी घोषित होने के बाद कांग्रेस में लगातार विरोध का लावा फूट रहा है। कांग्रेस कुनबे में मची कलह ने बीजेपी को हमला बोलने का मौका दे दिया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गंभीरता के अभाव की बात कही तो साथ ही ये भी कह दिया कि जीतू पटवारी कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे। तो विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी पटवारी पर सबकी दिवाली खराब करने का तंज कस दिया है। जीतू पटवारी जी इंदौर गए हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ है कि इंदौर का नेता उभर रहा है, पर जो गंभीरता चाहिए, जो गहराई चाहिए, उसके अभाव से कांग्रेस को संभाल नहीं पा रही और छिछोरेपन से कोई भी संगठन नहीं चलता। ऐसा उलटफुर किया है कि जो उपाध्यक्ष बनने योग्य थे उनको सचिव बना दिया और कईयों को तो ऐसे बड़े से सीनियरों को सचिव बना दिया। पिता पुत्रों के मोह कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, दिग्विजय सिंह जी का दबाव उन पर खत्म नहीं हुआ। जीतू पटवारी जी ने इतना जरूर है कि सब कांग्रेसियों की दीपावली खराब कर दी। 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस की लिस्ट आई। लिस्ट आते ही कांग्रेस में बवंडर आ गया। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। आज जो पद पा गए खुलेआम मंत्रियों के साथ दिखाई देते हैं। पहली लिस्ट की नाराजगी दूर करने के लिए दूसरी लिस्ट आई तो बवाल ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ गया। पार्टी के अंदर से पटवारी पर तीर चले तो बाहर वालों ने भी नश्तर चुभ होने में वक्त नहीं लगाया। फिलहाल कांग्रेस में बगावत के हालात बने हुए हैं। इस बगावत से सबसे बड़ी आफत में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ही नजर आ रहे हैं। एक बार फिर नमस्कार, और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में बगावत, जीतू की आफत। कांग्रेस के साथ पता नहीं ये क्या एक संयोग कहें, दुर्योग कहें, जुड़ा है कि मुश्किलें, परेशानियां जो पार्टी के भीतर से ही खुली आलोचना के तौर पर आती हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो बंसल न्यूज़ के जो सुलगते सवाल हैं पहले उन पर एक नज़र डाल लीजिए। क्या लिस्ट को लेकर हो रही बगावत पटवारी की आफत बढ़ा रही है? क्या नाराज नेता इस्तीफा देकर पार्टी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं? जीतू पटवारी पर बीजेपी के हमले कांग्रेस की आग घी डाल रहे हैं? ये हमारे सवाल हैं। और अब चलिए उन मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं जो आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, स्पोक्स पर्सन हैं, बड़ा मुस्कुराता हुआ खूबसूरत चेहरा है, उन्हें भी मुबारकबाद दीपावली की।
और मनीष त्रिपाठी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका बहुत स्वागत है, उन्हें भी शुभकामनाएं। और अपराजिता पांडे जुड़ रही हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, उनको भी बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। मनीष, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूँगा कि ये क्या मंजर है। पहले जीतू पटवारी जी अच्छी ताकत से आगे बढ़ रहे थे और ऐसा लगा कि उन्होंने दबाव का सामना कर लिया है, एक सूची आ जाती है और वो सूची दिखती भी ठीक है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि असंतोष का ज्वालामुखी फैला या फैलाया गया और इसमें कुछ चतुर सुजान जो कांग्रेस के हैं उनकी भूमिका भी हो सकती है। और फिर वो घुटने टेक वाली नीति, फिर उन्होंने झुक झुक कर ये मान लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, उसके बाद भी रायता नहीं सिमट रहा है, फैलता ही चला जा रहा है। जी शरद जी, ये कांग्रेस का एक तरह से कहें तो पिछले कुछ सालों में कल्चर सा बन गया है कि एक तो देखिए पहले 10 महीने का लंबा इंतजार, अब आ रही है तब आ रही है, अमरवाड़ा के बाद आएगी, नवरात्र में आ जाएगी, फिर अब आ रही है तब आ रही है, चलता रहा। और शायद यही वजह है कि ये इतना लंबा इंतजार हुआ, क्योंकि वो बैलेंस करने में शायद कांग्रेस को दिक्कत हो रही थी इतने सारे लोगों को, और पहले लग रहा था कि देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, देर आए और बड़ी सारी परेशानियों के साथ आए। जीतू पटवारी ने जिस दिन पहली लिस्ट जारी हुई उस दिन भी यही कहा कि जो रह गए हैं उनको दूसरी लिस्ट में समाहित करेंगे, दूसरी लिस्ट भी आई लेकिन वो बवाल थमने का नाम ले ही नहीं रहा है, लोग असंतुष्ट हो रहे हैं, किसी को लग रहा है कि उनकी मेहनत, उनके औरे के हिसाब से उनको पद नहीं मिला, किसी को लग रहा है कि उसको उसके जो कंपटीटर थे उनको ज़्यादा बड़ा पद मिल गया है और वो ऊपर निकल गए हैं इसलिए उनकी नाराज़गी है। कुल मिला के ये कांग्रेस की पूरी सूची, मतलब ऐसा लगता है जैसे कई गुटों में कई धड़ों में जो कांग्रेस का कल्चर जैसा दिखता है उसमें बटी हुई दिख रही है। और कांग्रेस के लोग ही, आपने मोनू सक्सेना को सुना, कितने गंभीर और सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बाहर वाले लोगों के हिसाब से सूची बनाई गई है। तो अगर ऐसा है, अगर मोनू सक्सेना के आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है और इसको कांग्रेस को जल्दी पकड़ना और निपटाना होगा। उनका तो साफ तौर पर आरोप ये है कि बाहर जो बीजेपी में चले गए नेता हैं वो भी अभी भी वहाँ बैठ के भी कांग्रेस को नियंत्रित कर रहे हैं, ऐसा गंभीर आरोप मोनू सक्सेना ने लगाया है। डॉक्टर गुलरेश शेख, मसला आपका नहीं है लेकिन मसला आलोचना के लिहाज से हमेशा आपका रहता है, दोनों पार्टियाँ एक दूसरे को बहुत गौर से देखती हैं, कैसे आप देखते हैं इस कांग्रेस में मचे इस घमासान को? सबसे पहले तो सभी को दीपावली की और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। और अभी एक लाइटर नोट पे एक हंसी के साथ मैं बात कह रहा हूँ कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कभी हम इंटरनेशनल चैनल्स में बैठते हैं तो कि पाकिस्तान का मसला हमारा आंतरिक मसला है, ऐसे ही कांग्रेस का मसला भी हमारा आंतरिक मसला है शायद। लेकिन टू बी वेरी प्रसाइज, ये कांग्रेस ही कहा करते थे हमको कि जब तक के सिंधिया जी थे और उनके साथी लोग साथ थे वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में, इसलिए वहाँ विस्फोट होते थे, इसलिए सारी समस्याएं आती थी। अब सिंधिया जी भी वहाँ नहीं है, उनके समर्थक भी वहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन कांग्रेस में वो चीज़ें अभी भी हो रही है। इसका मतलब यह है कि बीमारी का जो रोग है ना वो आंतरिक रोग है और वो बार बार अपने आप को प्रदर्शित करता रहता है। और आप ये देखिए कि जिस प्रकार के वक्तव्य आए हैं, बड़े सेंसिटिव वक्तव्य हैं। यदि कोई बड़ा नेता कहता है कि धन्यवाद पटवारी जी, अपने पद को रिजेक्ट करते हुए मैं आपको सूद समेत वापस करूंगा, तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस जो है ना उस मछली की तरह है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिश गेट्स रॉटन फ्रॉम द हेड, सर से सड़ चुकी है, जो सर से सड़ जाती है ना उसको संभालना मुश्किल होता है। और कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है आज के समय, और मुझे लगता है कि जीतू पटवारी बिल्कुल फेल हो चुके हैं। और आप ये भी देखिए कि सेकंड जो सूची आई, जिन सब चीज़ों के विषय में कांग्रेस कहते थे कि उन चीज़ों का सुधार करेंगे, वही चीज़ें वापस वहीं के वहीं सामने आ गई। और आज तो मुझे भोपाल के सिंधी समाज के कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे थे कि सिंधी समाज में काफ़ी रोष है पूरे प्रदेश में, क्योंकि हमको सही तरह से जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब ये भी हो सकता है भाई साहब कि हो सकता है कि जो सेकेंडरी सूची आई ये कमलनाथ जी और ग्रुप के दबाव में आई हो, क्योंकि उसमें कमलनाथ जी के भी कुछ लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन दबाव करते करते ही कांग्रेस पूरी दब गई है। ठीक है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। वाह वाह वाह, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं, कुछ उसी मिसाल की तरह सब कुछ कह गए डॉक्टर गुलरेश शेख और फिर कह रहे हैं कि आंतरिक मसला है। अपराजिता जी,
बात जाहिर तौर पर गंभीर है और एक युवा और संजीदा राजनेता होने की वजह से आपको भी ये बात चुभती ज़रूर होगी कि आप जिस रेफरेंस के साथ आज यहाँ डिबेट के लिए बैठी हैं वो डिबेट में आप ही के लोग आप ही की पार्टी पर कार्यकारिणी पर सवाल उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैंने तो कहा ही नहीं था, ना मुझसे पूछा गया। कोई कह रहा है कि पचौरी जी के लोगों को वहाँ पर सेटल किया जा रहा है। आखिर कितनी कितनी नावों में कितनी बार, कब समझेगी कांग्रेस? इसी की वजह से जीतती हुई बाजी कई मौकों पर हार चुकी है कांग्रेस और लोग अपने ही हैं। जी शरद जी, सबसे पहले आपको, बंसल परिवार को और प्रदेश के देश के हर वासी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपने बहुत सही कहा, सब कुछ कह जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और फिर बोलते हैं आंतरिक मामला है, अपनी स्थिति सुधार नहीं पाते और कांग्रेस परिवार की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, एक सूची आई है, कार्यकारिणी घोषित हुई है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, हलचल होना स्वाभाविक है। परिवार में चार पांच लोग होते हैं तो आप देखते हैं आजकल कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कितनी ओपिनियंस होते हैं। हमारा एक बड़ा परिवार है, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, एक फोरम है जिसपे हम ये सब बातें करते हैं। जो लोग इससे नाखुश हैं हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे कांग्रेस परिवार का एक हिस्सा है, हम उनके साथ बैठेंगे, उनकी नाराजगी दूर करेंगे। पर शरद जी यहाँ पर ये जानने की बहुत जरूरत है कि बहुत कम लोगों ने नाराजगी जताई है और बहुत ज्यादा लोगों ने इस लिस्ट को वाहवाही दी है, जीतू पटवारी जी को वाहवाही दी है। और मैं बताती हूँ क्यों। जीतू पटवारी जी एक किसान के बेटे हैं, आज मध्य प्रदेश के वो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। आप सोचिए, एक गांव से आने वाला किसान का बेटा जब इतने उच्च पद पर, राहुल गांधी जी ने उन्हें स्थापित किया है, मध्य प्रदेश की जनता ने उनका साथ दिया और कांग्रेस पार्टी का हर एक परिवारजन उनके साथ है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। फिर कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम अपनी बात कह नहीं सकते, सबको फ्रीडम है, सब अपनी बात रख सकते हैं। तो जीतू पटवारी जी ने कोशिश की है, उन्होंने कहा है कि सबको सम्मिलित किया जाएगा, सबको सम्मानित किया जाएगा और जहां भी हमारी गलती होगी उसे सुधारा जाएगा। ये एक आंतरिक मामला है, इनसाइड पार्टी फोरम पर इस पे बात होगी। और जो हमारे वरिष्ठ कह रहे हैं, बल्कि मैं तो हर कांग्रेस जन उसका स्वागत करता है। ये बात तो आप ही के लोगों ने जिस तरह से इसको बाहरी फोरम यानी मीडिया के फोरम पर नाराजगी जाहिर की है, ये बात उनको समझनी चाहिए अपराजिता जी, नहीं तो ये मसला आज जेरे बहस होता ही नहीं, इस पर हम डिबेट ही नहीं कर रहे होते। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है ये, पर वो हमारे वरिष्ठ हैं, अगर उनको कुछ लगता है तो हम चाहेंगे कि इंटरनल पार्टी फोरम में हम लोग उनसे बात करेंगे और उन मसलों को सुलझाया जाएगा। देखिए शरद जी, आज कांग्रेस पार्टी में मैं लौटता हूँ अपराजिता जी, मैं लौटता हूँ। गुलरेज कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे तीन छोटे छोटे सवाल है मेरी बहन से। पहली बात तो, क्या सोशल मीडिया ही इनके कांग्रेस पार्टी का इंटरनल फोरम बन चुका है? और दूसरी चीज, यदि इनके वरिष्ठों को भी सोशल मीडिया पर आकर प्रश्न करना पड़ रहा है तो कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होती होगी? नंबर दो, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा दल है और एक छोटे परिवार में भी समस्याएं होती हैं, आवाजें उठती हैं, तो बीजेपी से बड़ा दल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं उठती। और तीसरी और आखिरी चीज, आप बता रहे हैं जीतू पटवारी जी किसान के बेटे हैं, गाँव से आए हैं, जरा बता दीजिए इस फोरम पर कि कितने बीघे वाली, कितने हजार बीघा, कितने सैकड़ों बीघा वाली जमीन के कृषक हैं वो? बोलिए बोलिए अपराजिता, जल्दी जल्दी से। जी गुलरेज जी, भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा दल हम कांग्रेस पार्टी बनना भी नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप, चलिए इस पे हम नहीं बात कर रहे हैं, उनके सवाल जो हैं और सदस्यता ग्रहण कर लें, कितने लोगों से मिस्ड कॉल दिलवाए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ा दल। आज इस पे नहीं बात कर रहे हैं, आज आइएगा और देख लीजिएगा जीतू पटवारी जी किस घर से आते हैं, किस सामान्य किसान के बेटे हैं और आज नेता बने हैं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के सवाल उठाती है तो मध्य प्रदेश की ये भी मसला छोड़िए, आपको तो कहना चाहिए कि हाँ ये एक बहुत अच्छी लाइफ स्टोरी है कि वो यहाँ आके बैठे। और एक और चीज शरद जी, आज बात लिस्ट पे किसी चीज का जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस जनों की दीपावली खराब नहीं हुई है, जीतू पटवारी जी ने भारतीय जनता पार्टी की दीपावली खराब। नहीं नहीं, ईश्वर ना करे किसी की, ना आपकी दीपावली खराब हो अपराजिता जी, इस शब्द पे थोड़ी सी। अभी तो दीवाला, ये चाहे बीजेपी कहे, बीजेपी का कोई नेता कहे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। जी आप सबकी दीपावली बहुत अच्छे से बीते और ये जो मसले हैं, ये मसले, ये दीपावली
पर असर डालने वाले मसले ईश्वर न करे कभी हों, ये एक पॉलिटिकल अफेयर्स हैं जो चलेंगे, लड़ाई चलती रहेगी, आप लोग लड़ते रहेंगे। जी जल्दी से बोल लीजिए, मैं मनीष जी की तरफ चलूं। सही कहा शरद जी आपने, दीपावली तो भारतीय जनता पार्टी ने खराब की है, कहीं भी चली जाइए चीजें खरीदने इतनी महंगी हो गई है कि लोगों की दीपावली में आज इन्फ्लेशन कर रहे हैं क्वेश्चंस को मैडम, और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। चलिए मैं लौटता हूं, मैं लौटता हूं, फिर मुद्दे पे हम लौटते हैं, मुद्दे पर लौटते हैं। वो महिला के बारे में सोचिए, किसान के बारे में सोचिए। विपक्ष के नाते आपका अधिकार है अपराजिता जी, तमाम मंच हैं, सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक आप अपनी आवाज उठाइए। जो आपको सरकार की नीतियों को लेकर आपको लगता है कि वो जनहित से जुड़ी नहीं है। मनीष मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा ये बताइए मुझे कि हालांकि इसमें कोई बहुत दिग्गज नेता हैं उन्होंने विरोध नहीं जताया, लेकिन अजय सिंह का ध्यान मुझे आता है, भगवान ही मालिक है। अब ये सारी चीज़ें उस समय कमलनाथ जी के समय भी ये आरोप लगे कि समन्वय नहीं है, उनकी वरिष्ठता इतनी बड़ी थी कि हम मान लें, लेकिन जीतू जी के समय तो ये स्थिति नहीं थी, तमाम दिग्विजय सिंह जी उनके साथ बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए दिखते। आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हो रहा है गलत बार बार? शरद जी मुझे लग रहा है कि वो जो बात मैंने पहले कही उसी पर मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। जिस दिन पहली लिस्ट आई थी उस दिन रात को कांग्रेस के कई सीनियर लीडर से मेरी व्यक्तिगत बात हुई और उनमें से दो तीन लोगों ने बहुत साफ कहा कि सुरेश पचौरी के लोगों को सेट किया जा रहा है, और भी दो तीन नाम लिए। तो कुल मिला के असंतोष इस बात को लेकर है कि जो बाहर चले गए हैं उनके जो चहेते अभी इस पार्टी में बने हुए हैं उनको जगह दी जा रही है। तो जीतू पटवारी या तो उनको वैसा फीडबैक नहीं मिला या वो समझ नहीं पाए, वैसे लोगों को जगह दे दी गई और नाराजगी है इस बात से। और वही कद के हिसाब से पद नहीं मिले, नेताओं के चहेतों को जगह दी गई, क्योंकि अब हम और आप सैकड़ों बार ये बात कर चुके हैं कि कांग्रेस जो है वो छत्रपों का एक संगठन है, तो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। अब हो सकता है अजय सिंह के लोगों को उस तरह से प्रतिनिधित्व विंध वालों को नहीं मिला हो, तो अजय सिंह की नाराजगी है कि उनके लोग नहीं होंगे। ऐसे ही लगभग हर क्षेत्र से अभी आपको आवाजें उठती हुई दिखेंगी, और ये कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस अपने आप को उसमें ढाल चुकी है और उसी में से वो हल निकाल के और अपना आगे बढ़ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत मतलब होने वाला है, जो लिस्ट आ गई है अब वो आगे रहने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ये मसला कोई बहुत तकलीफ में डालने वाला नहीं बनेगा और कांग्रेस के मसलों में या कांग्रेस के चरित्र में ये बहुत पहले से शामिल है कि ऐसे विरोध सामने आते हैं और गुजर जाते हैं और कांग्रेस अपना काम करती रहती है। बिल्कुल, ये हर फैसले में इस तरह की आवाजें उठती हैं। लक्ष्मण सिंह तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ऐसा शायद ही कोई फैसला हो पार्टी का जिसमें उनकी तरफ से आपत्ति नहीं आती, फिर भी पार्टी उनको लिए हुए है, लगातार बर्दाश्त करी, तो उसकी भी कोई वजह होगी। तो ये चीजें कांग्रेस में चलती रहती हैं। शेर खां भी मुझे याद आते हैं कि जो जिन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि वैकल्पिक कांग्रेस की जरूरत है, पूरी तरह से मिजरेबली फेल है कांग्रेस, और फिर भी कहानी चलती रही और बहुत बाद में उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ। गुले साहब, जाहिर तौर पर इससे कांग्रेस की सेहत पे कितना फर्क पड़ेगा ये तो हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा कांग्रेस के लिए तकलीफ का बायस नहीं बनेगी, लेकिन हाँ बीजेपी को मौका मिलता है और बीजेपी को एक साइकोलॉजिकल एज मिलता है कि भैया ये तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे और हम इनकी जो है चुटकियाँ लेते रहेंगे और मुरकियाँ लेते रहेंगे, फिरकी लेते रहेंगे, और कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज में कांग्रेस को ये चीज़ खड़ा करती है। क्या क्या कहें? देखिए शरद जी, जहाँ तक आपने कहा कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तो मैं अब दूसरी अपनी कैप पहन रहा हूँ, डॉक्टर वाली। अब कोई कैंसर का पेशेंट हो, बड़े रोग का पेशेंट हो, उसका हाथ पैर दुख रहे हो, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? बड़ा रोग तो उसके पास है, तो कांग्रेस के पास ऐसा बहुत बड़ा रोग है, कांग्रेस के अंदर तो ये छोटे मोटे रोग आते जाते रहेंगे, लगातार होते रहेंगे। गुटबाजी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, रोग जो है वो गुटबाजी है। गुटबाजी भी है और इनमें किसी तरह का भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिस प्रकार से ये वक्तव्य देते हैं ये कोई भी राजनीतिक दल में नहीं होता है, तो अनुशासनहीनता है, ये सब चीज़ें हैं एक साथ, इनके साथ समस्या है। लेकिन आपने एक शब्द कहा था, वही उसका उत्तर भी है जो आपने प्रश्न किया था कि ऐसा क्या समस्या है कि ये हुआ। कमलनाथ जी तो वरिष्ठ थे, जीतू जी के साथ ये नहीं है, हालांकि दिग्विजय सिंह जी उनके साथ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। यही समस्या है कि पहली जो सूची आई थी, अभी तो हम उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं चीजों का, क्योंकि हो चुकी है जो चीजें, तो पहली सूची आई थी उस पर जिस प्रकार से दिग्गी राजा की छाप थी, वही सब कुछ समस्या विस्फोटक स्थिति बनाने के लिए पर्याप्त थी। अब तो आंतरिक विस्फोट हो रहे हैं, मजे ले उसका। क्या इसके पीछे दिग्विजय सिंह जी हैं? आप इशारा कर रहे हैं कि सारी कहानी के, क्योंकि अदावत जो दिग्विजय सिंह जी की और पचौरी जी की रही है, मानने वाले ये भी मानते हैं कि पचौरी जी के बीजेपी में जाने का एक बड़ा कारण
दिग्विजय सिंह जी रहे हैं, भगवान जाने क्योंकि गुटबाजी कांग्रेस की हरी अनंत हरी कथा अनंता की तरह। जी अपराजिता जी, शरद जी आंतरिक विस्फोट की बात हो रही थी यहाँ। उमा भारती जी हर फोरम पे ये बात रख चुकी हैं कि मेरी खुद की बात को तवज्जो नहीं दी जाती मेरी अपनी पार्टी में। बुधनी उपचुनाव में हमने देखा कि 17 साल के मुख्यमंत्री शिवराज जी बैठक रखते हैं और वरिष्ठ नेता उसमें शामिल नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी में कितना आंतरिक विस्फोट है ये हमें आपको सबको पता चलता है। और मैं एक और चीज शरद जी यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी, जो हमारी नई कार्यकारिणी घोषित हुई है उसमें 50 से ज्यादा महिलाओं को स्थान मिला है। जीतू पटवारी जी, कांग्रेस पार्टी हमारी निरंतर यही कोशिश है कि महिलाएं आगे बढ़े जीवन में भी और राजनीति में भी, इसको भी ध्यान में रखा गया है। देखिए परिवर्तन होता है, एक नई कार्यकारिणी घोषित हुई है, हलचल स्वाभाविक है, बट इसमें बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं और इसमें आप आने वाले सालों में देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी कितनी सशक्त मजबूत दल सामने आएगा। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर आज जीतू पटवारी जी से और हमारी कार्यकारिणी से जितनी मुसीबत जितनी बातें वो कह रहे हैं हम समझ सकते हैं कि कितने शरद जी रफिल हुए हैं, फेदर कितने विचलित हुए हैं, ये आज हमें समझ में आ रहा है। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। कांग्रेस ताकतवर हो ये बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए आगे बढ़े। आगे आप छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा तो देखेंगे ही, उपचुनाव का कुमार, लेकिन उससे पहले देखिए भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सफाई मित्रों के साथ दीपावली मना रहे हैं। देखिए सीधे लाइव तस्वीर। नमस्कार।